तीन जानवर शिकार करने निकले, शेर, भेड़िया, लोमड़ी। तीनों जानते हैं ना, शेर, लायन और भेड़िया, आप जानते हैं लोमड़ी, फॉक्स। तीन जानवर शिकार करने निकले, कौन कौन कौन? शेर, भेड़िया, लोमड़ी। और तीनों ने एक एक शिकार कर लिया। सुनो, तीनों ने एक एक शिकार किया। शेर ने हिरण मारा, भेड़िए ने शेर ने हिरण मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश, रैबिट का शिकार कर लिया। शेर ने क्या मारा? हिरण। भेड़िए ने क्या मारा? बकरी। और खरगोश और लोमड़ी ने खरगोश। तीनों जानवर पड़े हुए हैं। शेर ने भेड़िए से कहा, तुम फैसला करो किसको क्या खाना है। देखिए, सरदार है ना जंगल का, बस शेर जो सरदार को पहचान गया पूरी तकदीर समझ जाएगा। शेर ने कहा फैसला करो, भेड़िए से फैसला करो कौन क्या खाएगा। भेड़िए ने कहा बहुत आसान जी। जंगल के राजा ने शेर ने कहा हाँ बताओ क्या है। अच्छा, शेर को तीनों जानवर खाना थे, भेड़िए से फैसला करवा रहा, बताओ क्या। भेड़िए ने कहा बहुत आसान, हिरण आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं, लोमड़ी को खरगोश दे देते हैं। शेर ने कहा ये कोई फैसला है? इधर आ, मारा एक झपटा उसको और भेड़िए का सर तन से जुदा हो गया, भेड़िया मर गया। सर तन से जुदा। लोमड़ी से कहा, लोमड़ी तुम फैसला कर सकती हो, तुम फैसला करो ये कौन खाएगा। लोमड़ी कहती बहुत आसान। कहा क्या बोलो। कहा साहब हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए, शाम को बकरी खा लीजिए, और बीच में जब जायका, मुंह का जायका बदलना हो तो आप खरगोश का टेस्ट कर लीजिए। तीनों जानवर आपके, सुबह उठो नाश्ते में आप हिरन खा लो, शाम को बकरी खा लो, और बीच में दोपहर में आप खरगोश का टेस्ट कर लो। शेर ने कहा वाह लोमड़ी वाह, कितना अच्छा फैसला किया तूने, इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया। लोमड़ी ने कहा इस भेड़िए ने। समझ गए आप, गुस्सा भी आया है मुझे लेकिन अब हंस दिया हूं मैं आपके साथ। मैं बहुत गुस्से में था लेकिन अब हंसी आ गई मुझे। शेर ने कहा वाह क्या फैसला किया है, इतना अच्छा फैसला करना तुझे सिखाया किसने। लोमड़ी क्या कहती है, भेड़िए ने, यानी भेड़िए से मैंने इबरत हासिल कर ली। अरे मुसलमानों, इबरत हासिल अभी भी नहीं कर पा रहे हो। तुम देख रहे हो तुम्हारी आंखों के सामने कौन कौन जेल जा रहा है, तुम देख रहे हो इलेक्शन आता है, यूपी में कोरोना आ गया, नाइट कर्फ्यू लग गया, आप इबरत हासिल नहीं कर पा रहे हो। अब जब हमारा शेर, शेर को समझ गए ना, हमारा शेर जब देख लेगा यूपी में हम हार रहे हैं तो ऐन मौके पर इतना भयानक कर्फ्यू लगाएगा यूपी में, हो सकता है कि 3-4 महीने के लिए इलेक्शन टल भी जाए। आप नहीं जानते, क्योंकि सरदारी तो शेर की चलती, वो चाहता सब कुछ। जैसे ये लोमड़ी, वो चाहता तो तीनों जानवर हमें मिले, ऐसे हमारा शेर चाहता सब कुछ, हर हर सुबह हमारा रहे, अंध दंड हेरा फेरी सब। आपने देखा जैसे इलेक्शन करीब आए, अखिलेश के करीबी लोगों के ऊपर सीबीआई के छापे आने लगे, ईडी के छापे पड़ने लगे, यही हाल आपके बंगाल का भी था। जैसी जैसे इलेक्शन करीब आए, देखा कैसे छापे मारे गए, सबको इस्तेमाल करके देखा गया। आप अकलमंद थे, अकलमंदी का सबूत दे गए। बिहार वाले बेवकूफ थे बेचारे, पागलपन का सबूत दे के मर मिटे। दुआ कर देता हूं अल्लाह यूपी के मुसलमानों को भी बंगाल के मुसलमानों से अकलमंदी सीखने की तौफीक अता फरमा दे, ये दुआ ही कर सकता हूं। मेरे भाइयों, मैंने बहुत कुछ कह दिया है, बल्कि सब कुछ कह दिया है। कल इसी बात को कट कर करके जी हिंदुस्तान दिखाएगा, देखो कैसे डरा रहा है ये मौलवी, कैसे डरा रहा मौलवी। इनको नित्यानंद पंडित का बयान नहीं सुनाई देता है, वो कैसे डरा रहा वो नहीं दिखाई देता है। इसको जो नारे बीजेपी के नेता लोगों ने लगाए हैं दिल्ली में, वो नहीं सुनाई देते। मौलाना जगजीत बोल रहा है बंगाल में और ये दिखा रहे यूपी में, यूपी में
यूपी में साहब 6 महीने तक जर्जी साफ, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाए यहाँ कोई जलसा नहीं कर सकते। लीजिए मेरे घर नोटिस आ गया, मेरे पास पाबंदी आ गई। अरे भैया दीनी जलसे तो करने दो, मुझे किसी के स्टेज पे मत जाने दो, दीनी जलसे तो करने दो। साहब दीनी जलसे भी नहीं करने देंगे, ये तो ये कहो कि जुमे पे इनकी हुकूमत नहीं चलती, वरना ये तो कहते जुमा भी नहीं पढ़ाने देंगे। अब जुमा पढ़ने के लिए मैं जिस मस्जिद में जाता हूँ वहां के लोग कहते हैं मौलाना जुमे में आप ही पढ़ाइए। अब जो मौलाना बेचारा कुछ पढ़ाना ही नहीं चाह रहा, वो कह रहा आप पढ़ा। जुमा तो हमें कहीं ना कहीं पढ़ना ही है, जब हम वक्त से पहले पहुंचते हैं जुमा पढ़ने के लिए, तो आदमी जिस मस्जिद में भी चला जाऊं मौलाना साहब आप आ गए तो हमारी खुश नसीबी है, पढ़ा दो। अब उनको थोड़ी मालूम है कि हम किस मस्जिद में जा रहे हैं जुमा पढ़ने, जुमा पढ़ा देता हूँ, जुमा पढ़ा देता हूँ। पाबंदी लगाई है तो तकरीरों पे ना लगाई है, जलसों पे, जुमे पे थोड़ी लगाई है। तो मेरे भाइयों हमें जो कुछ कहना होगा जुमे के खुतबे में कह देंगे, इशारों ही में सही। तो आप फैसला करना सीख जाइए, इबरत लेना सीख जाइए, कम से कम थोड़ी देर के लिए लोमड़ी बन जाइए। आपको मालूम है कि आपका मुकाबला किससे है, लोमड़ी से पूछा वाह इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया, उसने कहा भेड़िए ने, यानी भेड़िए ने ये फैसला किया और उसका अंजाम मैंने देख लिया, इसलिए मेरा भी अंजाम ना हो इसलिए मैंने भेड़िए से ये इबरत हासिल कर ली। जो लोग जेलों में जा चुके हैं, जो लोग काटे जा चुके हैं, जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं मुसलमानों, उनसे इबरत हासिल कर लो, उनसे इबरत हासिल कर लो, और अपने आप को मसलहत के साथ, दूरंदेशी के साथ आप काम करिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बोलिए हक बात, बोलिए डंके की चोट पे बोलिए, लेकिन आप उसको सलीके से बोलिए। आपको ये कहने की जरूरत नहीं चल बैठ खा फूस, आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं खा लो ना, देशी मुर्गा ही चाहिए था ना, लो खा लो। आप इसको यूं भी बोल सकते हो मेरे भाइयों, दूरंदेशी अगर हमारे पास आ गई। बस एक चीज और बताऊंगा आपको कि गलती किसी से भी हो सकती है।